हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एक और न्यू स्टेट की वीडियो के साथ आ गए हैं वापस। अब भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की। तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि यार अकिंता मैप का भी गेम प्ले डाला करो, अकिंता मैप के अंदर भी खेलो। तो भाई ये एक अकिंता मैप का ही गेम प्ले है। तो इस वाली वीडियो को भाई आप लोग एंड तक ज़रूर से देखना, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छी फाइट्स हुई हैं। लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। अब यहाँ पर यार जैसे ही हम लोग लैंड होते हैं, अपने साथ एक बंदा यहाँ इसी वाले कंपाउंड में लैंड हो जाता है, जिसको कि भाई मैं काफ़ी आराम से इस जगह पर किल कर देता हूँ। बिकॉज यार इस वाले बंदे के पास गन वगैरह तो थी नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर कुछ और बंदे थे जिनको किल करना था। तो देखो इनको कैसे मारेंगे। अब यहाँ पर देखो, अभी जस्ट हम लोग उतरे थे और यहाँ पर मेरे को उतरते के साथ में ही एक गन मिल गई थी, जिसके बाद भाई यहाँ पर जितने भी बंदे मेरे को दिखते हैं उन सबको मैं काफ़ी आराम से किल कर देता हूँ। और ये दोनों बंदे तो फिलहाल भाई यहाँ पर निहत्ते थे, जिनको अभी तक हम लोगों ने मारा है। बट यहाँ पर भाई आगे काफ़ी अच्छी फाइट्स होने वाली हैं, तो वो तो आपको आगे देखने को पता चलेगा। बट उससे पहले भाई मैं आपको बता दूँ कि अभी मैं इतना यूज़ टू नहीं हूँ अकिंता मैप से। बिकॉज अभी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो मैंने लगभग 10 मैच खेले होंगे अकिंता मैप के अंदर, जिनमें जितना मेरे को एक्सपीरियंस है तो भाई वो यही है कि ये वाला मैप एक तो बहुत ज़्यादा छोटा है, प्लस इसमें जो फाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं, और जो बंदे हैं वो टैक्टिक्स लगा कर खेलते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं चिकन डिनर लेने में अकिंता मैप के अंदर। और इसकी एक डार्क साइड ये है कि यार जो यहाँ पर काफ़ी सारे बंदे हैं ओपन में लेट जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा तगड़ा कैंप करते हैं या होल्ड करते हैं एक बिल्डिंग को। और बहुत बंदे तो भाई मेरे को ऐसे भी मिलते हैं जो फुट स्टेप तक नहीं देते, और भाई अगर धोखे से आगे ओपन में चले जाओ तो अपनी पेटी पैक हो जाती वहाँ पे। तो आप लोगों का इसके ऊपर क्या कहना है मेरे को कमेंट में ज़रूर से बताना। अब देखो यहाँ पे हम लोग पैराडाइजो क्लियर कर चुके थे, उसके बाद निकलते हैं आगे की तरफ। तो सबसे पहले अपने को एक बॉट स्पॉट होता है, जिसको कि काफ़ी आराम से किल कर देते हैं। उसके बाद भाई जाते हैं एक कंपाउंड में, जहाँ पर अपने को एक बंदा स्पॉट होता है। तो ये वाला बंदा यार वैसे तो AFK था और काफ़ी ज़्यादा नया था न्यू स्टेट के अंदर। अब क्या पता भाई इसका गेम वगैरह क्रैश हो गया हो, जिसकी वजह से ये AFK था, लेकिन इसको हम लोग भाई काफ़ी आराम से नॉक फिनिश करते हैं। उसके बाद एक बॉट यहाँ पर था, जिसको कि भाई काफ़ी आराम से किल कर देंगे। बट उससे पहले भाई मेरे को आप कमेंट में बताओ कि अभी भी आपका गेम क्रैश हो रहा है या नहीं हो रहा। तो फाइनली यार इन लोगों को किल कर देते हैं। उसके बाद हम लोग दोबारा से जाते हैं पैराडाइजो को क्रॉस करने। उतने में भाई अपने को आता है एक गाड़ी का साउंड, तो देखो अब इसको कैसे मारेंगे। अब सबसे पहले यार ये बाइक वाला बंदा मेरे को दिखता है, जिसको कि भाई मैं यहाँ पर फायर लेता हूँ, बट यार इस वाले बंदे को इस जगह पर सिर्फ डैमेज दे पाया था, लेकिन इसको आगे आराम से किल कर देते हैं। अब इस वाले बंदे को तो देखो मैं नॉक कर चुका था, बट उतने में आता है इसका टीममेट, तो देखो अब इसको कैसे मारेंगे। अब ये दोनों बंदे भाई गाड़ी लेकर मस्त घूम रहे थे, उसमें मैं इन दोनों को रास्ते में ही पकड़ के नॉक फिनिश कर देता हूँ और भाई इनको पहुँचा देता हूँ लॉबी में। लेकिन यहाँ पर भाई अभी सीन ख़त्म नहीं हुए थे, इसके बाद जो सीन होने वाला है वो इससे भी खतरनाक है, वो आपको अभी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखो हम लोग अपनी बाइक उठाकर आते हैं इस वाले छोटे से कंपाउंड में, और यहाँ पर भाई अपने को लग रहा था कि सिर्फ एक बंदा है जिसको कि काफ़ी आराम से हम लोग किल कर देंगे, और यहाँ पर मेरे टीममेट ने इस वाले बंदे को नॉक भी कर दिया था। लेकिन जब अपने ऊपर भाई पीछे साइड से फायरिंग होने लगती, तो उसके बाद देखो मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में था यहाँ पर, और मैं भाई डायरेक्ट गाड़ी उठाता हूँ और जाता हूँ इन वाले बंदों को किल करने के लिए। लेकिन उस जगह पर भाई जब मैं बंदे देखता हूँ, वो देखकर भाई मैं गाड़ी वहाँ पर रोकता ही नहीं हूँ, वहाँ से निकल जाता हूँ सीधा। अब यार अगर आपने देखा होगा तो भाई पीछे की तरफ लगभग 3 बंदे हम लोगों को देखने को मिले थे, जिनमें से एक बंदा भाई मेरे पे डायरेक्ट करता है पुश, तो देखो इसको कैसे मारेंगे। अब वैसे यहाँ पर आया तो था मैं इन लोगों को मारने, बट अपनी गाड़ी पहले मैं भगा लेता हूँ, बिकॉज मेरे को भाई 3 बंदे स्पॉट होते हैं। उसके बाद भाई मैं एक बंदे को नॉक करता हूँ यहाँ पर, और दूसरा बंदा मेरा टीममेट नॉक कर चुका था, और जो तीसरा बंदा था वो था सामने की तरफ, जो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है यहाँ पर बचने की, लेकिन भाई को काफ़ी आराम से नॉक कर देते हैं। और उसके बाद भाई ये वाली टीम ने मेरे एक टीममेट को नॉक फिनिश भी कर दिया था, तो उसको रीडिप्लॉय कराने के लिए फाइनली यहाँ पर हम लोगों ने ग्रीन फ्लेयर भी मंगा ली थी। और अपने टीममेट को रिवाइव करने के बाद आते हैं हम लोग लास्ट जोन में इस वाले कंपाउंड में,
और यहाँ पर भाई देखना कि किस तरह का बंदे कैंप करके बैठते हैं अकिंता मैप के अंदर। अब देखो ये वाला बंदा अपनी स्क्वाड का पूरा अकेला बचा हुआ था बट फिर भी यहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था और इसने मेरे एक टीममेट को नॉक भी कर दिया था इस जगह पर। बट इस वाले भाई को काफ़ी आराम से मैं यहाँ पर नॉक कर देता हूँ जिसके बाद भाई ये वाली स्क्वाड आराम से फिनिश भी हो जाती है। तो वहाँ से देखो निकलने के बाद हम लोग आते हैं इस वाले कंपाउंड में बिकॉज वो वाला जो कंपाउंड था वो जोन से हट चुका था और यहाँ पर हम लोग एक कंपाउंड में होल्ड कर रहे थे और देख रहे थे कि बंदे कहाँ पर हैं। लेकिन उतने में अपने साथ एक स्कैम होता है। अब वो स्कैम ये था कि देखो जो मेरा एक टीममेट था वो दूर पहाड़ी के ऊपर था, उसको मेरे जस्ट बगल में बंदे लेटे हुए स्पॉट हो रहे थे जिनको कि भाई वो दूर से ही किल कर देता है और यहाँ पर अपना चिकन डिनर काफ़ी आराम से हो जाता है। तो आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो। मिलते हैं साथ कल किसी न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय।